और आज के समय हर कोई ये चाहता है कि वो कोरोना वायरस से बचा रहे, और अगर कोई कोरोना इन्फेक्टेड है तो वो जल्द से जल्द इस वायरस से बाहर निकले। वहीं दूसरी ओर 23 साल के एक स्टूडेंट जेकब हॉपकिंस ने अपने आप को जानबूझकर कोरोना इन्फेक्टेड करवाया, और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। जेकब ने ऐसा इसलिए किया ताकि वैज्ञानिक उसकी बॉडी को एग्जामिन कर सकें और कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी जानकारियां निकाल सकें, ताकि भविष्य में वैक्सीन्स बनाई जा सकें और इसका इफेक्टिव इलाज ढूंढा जा सके। गाइस, हालांकि पहले से बनी वैक्सीन्स का ट्रायल भी शोध का हिस्सा था। जो वैक्सीन का ट्रायल कामयाब रहा और जेकब को सुरक्षित बचा लिया गया। गाइस, कोरोना के खिलाफ इस जंग में जेकब का ये साहसिक कार्य हमेशा याद रखा जाएगा। आपको ये जानकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को जनरली हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का एक यूनिक फीचर बताता हूँ। अगर आपने गौर किया हो तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर 16-डिजिट नंबर लिखा होता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली वो 16-डिजिट नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें शुरू के जो 6 डिजिट होते हैं वो बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और आखिरी 10 डिजिट एक्चुअली कार्ड धारक के यूनिक अकाउंट नंबर होते हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम इंसानों के पास सिर्फ एक ही दिमाग होता है, और उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं, और साइंस ये कहती है कि हम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा जीव है जिसका दिमाग सबसे बड़ा होता है, और वो जीव है हाथी। लेकिन इस दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं। ओह माय गॉड गाइस, उस जीव का नाम है लीच, यानी कि जोक, जिसके पास 32 दिमाग होते हैं। लेकिन 32 दिमाग होने के बावजूद भी उसका सिर्फ एक ही काम है, खून चूसना। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर अगर इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगाया जा सके तो इसके खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आम इंसान तो रेगुलर चेकअप के लिए जाता ही नहीं है, तो फिर इनिशियल स्टेज में कैंसर का पता कैसे लगेगा? लेकिन अगर आपके पास कुत्ता है तो आप इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। रिसर्च के अनुसार यह पता लगा है कि जिस इंसान को कैंसर होता है उसके शरीर से एक स्पेसिफिक गंध आती है, जिसे कुत्ते बड़े आसानी से सूंघ लेते हैं और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तो अगर आपका कुत्ता आपसे अजीब व्यवहार कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाने की जरूरत है। है ना ये अमेजिंग फैक्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि 2020 का दुनिया का नंबर वन टीचर अवार्ड इंडिया के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर को दिया गया है तो शायद आप लोगों को यकीन ही ना हो, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर गांव के रंजीत सिंह देसाले जी को यूनेस्को ने ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। 140 देशों के 12,000 टीचर्स को पीछे छोड़ते हुए रंजीत सिंह देसाले जी ने $1 मिलियन के इनामी राशि वाले इस प्राइज को अपने नाम किया, और घोषणा होते ही आधी इनामी राशि बाकी बचे हुए टॉप 10 टीचर्स में डोनेट भी कर दी। टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ जोड़कर रंजीत सिंह देसाले जी ने खाली पड़े हुए गांव के स्कूल में जान भर दी, और इसीलिए उन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आज रंजीत सिंह देसाले जी के लिए एक लाइक तो बनता है। एन रिचर्ड नामक एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को रोड पे एक जोई यानी कि एक बेबी कंगारू अपने मां के शव के पास मिला। उसकी मां की मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। अब वो उसे अपने घर ले आया। उसने और उसकी फैमिली ने उस कंगारू को बड़े प्यार से पाला। उनकी प्रॉपर्टी में बने एक बड़े से फार्म में वो कंगारू खेलता रहता था। एक दिन लेन अपनी प्रॉपर्टी में घूम रहा था, तभी अचानक से एक पेड़ का तना उसके सर पे आके गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। तब वहां पर वो कंगारू भागता हुआ आया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी फैमिली ने लेन को ढूंढ नहीं लिया। गाइज, ये बेजुबान जानवर वफादारी का कर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।